हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं जस्ट तैयार हो गई हूँ और आपने थंबनेल तो देख ही लिया, टाइटल भी देख लिया। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी मायके। तो मैं अपने गांव जा रही हूँ और कल से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। तो बट अभी थोड़ा सा बस रेडी हो गई थी, सारा सामान रख लिया था मैंने, पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, घर के सारे काम निपटा लिए हैं। तो उसके साथ मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के साथ साथ काम करना इतना इजी नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था व्लॉगिंग। बट अभी थोड़ा सा रेडी हो गई थी और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो कैमरा सामने आ गया मेरे। तो अभी ये नहा रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस एक दो घंटे में निकल लेंगे यहाँ से। तो रास्ते के लिए मैंने आलू पराठा पैक कर लिया है और थोड़े बहुत चिप्स रख लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली है। तो अपने गांव जाने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मतलब इतने सालों के बाद मैं अपने गांव जा रही हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 साल के बाद अपने गांव जा रही हूँ। 3 साल के बाद, पहले ये रहता था कि साल में एक बार या डेढ़ साल में एक बार ही चली जाती थी, बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जब मैं 3 साल के बाद अपने गाँव जा रही हूँ। तो बहुत दिन से यार, बहुत दिन से मुझे मतलब एक बेचैनी सी हो रही थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है। मतलब एक हो रखा था कि मुझे जाना है, क्योंकि एक 3 साल कम नहीं होता है, तो किसी को भी लगता है यार, लेकिन ये चीज़ें कोई समझता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग आपके आसपास के माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, बट ये चीज़ एक लड़की समझ सकती है और उसकी फैमिली समझ सकती है। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट जो भी काम निपटाने निपटा लेते हैं। मछलियों को मैंने हॉलीडे फूड डाल दिया है, जिससे वो जितना दिन का तो मैंने डाला हुआ है उस अकॉर्डिंग वो रह लेंगी। तो उनको हॉलीडे फूड डाल देती हूँ, इससे वो लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बालकनी का सारा काम निपटा दिया है। क्या सबको पता है ना कि मैं पौधों को बहुत ज़्यादा वो केयर करती हूँ, तो मुझे ये लगता है एक्स्ट्रा ओवर मतलब ओवर पानी ना हो जाए, कम भी ना हो, इस अकॉर्डिंग मैंने उस चीज़ को सेटअप कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे सारे काम कैसे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अपना हेयर कट करा लिया है। तो जितने भी फूटे हुए बाल थे ना, दो मुँह बाल जो हो जाते हैं, तो सब कुछ मैंने कटवा लिया। मैंने बोला था उसको कि जितने फूटे फूटे बाल हैं जिनको दो मुँह भी बोलते हैं, तो सारे बाल उसने कट कर दिए। लेकिन इस बारी मैंने उसके भरोसे अपना बाल छोड़ दिया था। मैंने बोल दिया था जैसा मेरे मतलब मेरे फेस पर जैसा अच्छा लगे वैसा कर दो, तो उसने कट किया है। बट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक गड़बड़ ये लग रहा है ना कि उसने ये लेयर्स बैक साइड में अपर डाउन ऐसे कर दिया है, जो मुझे नहीं उतना अच्छा लगता है। उससे मेरे बाल बहुत पतले लगते हैं, अगर मैं इनको रबर बैंड वगैरह लगाती हूँ तो थोड़े पतले लगते हैं, तो वो चीज़ें उन्होंने थोड़ी ऐसी कर दी है। बट कोई बात नहीं, अपना ही बाल है, बढ़ जाएगा। तो हमेशा मैं उसको यही बोलती हूँ कि जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब मेरे फेस पर जो सूट करता है वैसा ही कट कर दो। इस बार ही भी मैंने यही बोला, उसने बोला कि मैं ऐसे थोड़ा सा कर देती हूँ, मुझे लगा हो सकता मेरे बाल पर अच्छा लगे, बट अभी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी जब बढ़ जाएगा तो ये हो सकता बढ़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे, तो अभी इसको देखते हैं। अभी तो कल ही मैंने कट कराया था, तो हो सकता है अभी महीने भर तो लगता है मेरे बाल को सेट हो, मतलब मेरे बाल पता है जिस दिन कटवाते हैं उतना अच्छा नहीं लगता है, एक महीने बाद थोड़ा सही हो जाता है। तो मैंने बैठा दिया, ये रखवाली करेंगे यहाँ बैठ के। ये लोग देखो कितने क्यूट बन के बैठे हैं दोनों। सब जगह फैन 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 चल रहा है, तो ज़्यादा आवाज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने मछलियों को सारा खाना डाल दिया है, ये देख सकते हैं। चलो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ कैसे ये लोग दौड़ दौड़ के आ रही हैं, इनको लग रहा है मैं इनको खाना देने आई हूँ। ये देखो इनको लग रहा है कि मैं इनको खाना देने आई हूँ, ये लोग दौड़ दौड़ के ऐसे खाना खाने के लिए भूखी आ रही हैं लोग। बट इनका खाना मैंने यहाँ पर डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वाइट वाइट से एक चौक जैसा पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ इसका खाना है और ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, फिर ये लोग अपना इसमें अपना इनको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी और जिससे इनको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और यहाँ पे सब कुछ मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और मतलब होता है ना कि आने के बाद से घर में हर चीज़ को मतलब एक लगता गंदा ना रहे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सारे घर की अपनी क्लीनिंग कर ली है। और देख सकते हैं कि मेरा किचन अच्छे खासा साफ सुथरा हो गया है, सारे बर्तन क्लीन कर लिए, क्योंकि कहीं से बाहर से आओ बर्तन ऐसे पड़े मिलेंगे तो बहुत ही गंदा लगता है, इसलिए सब कुछ क्लीन अप हो चुका है। और
ये देख सकते हैं मैंने सारे पौधों को ऐसे नीचे उतार के रख दिया है, जिससे कि ज़्यादा ओवर पानी ना हो जाए और ज़्यादा ड्राइनेस भी ना रहे। तो मतलब ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इनको दिक्कत हो सकती है, और एक्स्ट्रा पानी पड़ेगा तो भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए। और ये देख सकते हैं आधे पौधे यहाँ रख दिए हैं, आधे मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो बस ऐसे ही इनकी केयर हो जाएगी। और ये कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, और अभी फ्रिज का सारा सामान मैंने निकाल दिया, और फ्रिज में जो भी सामान था मैंने सब हटा दिया है। तो सो गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी, तो जस्ट मैगी खा लेंगे। और यार इसमें तो वो आ रहा है, तो अभी मैगी बना लिया क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा कुछ नहीं बाहर खा के निकल सकते हैं, तो मैगी खा लेंगे। और पराठा मैंने पैक कर लिया है, जो कि हम रास्ते में या फिर ट्रेन में खाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग बस निकल रहे हैं, और अपना अपना बैग उठा के, लाइट सारी ऑफ हो गई है, इसमें से थोड़ा सा लोगों को लाइट कम दिख रहा होगा। एक बड़ी चाबी का दूसरी वाली चाबी का दूसरी वाली कौन सी चाबी? तीन वाली चाबी है। तो इन लोगों को इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि लाइट धीरे धीरे गई तो दिक्कत हो जाएगी बेचारे के। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन पूरा सेट कर दिया, खाना दे दिया इन लोगों को। बाय बाय टाटा, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाय बाय, फ्रिज चलता रहेगा, फ्रिज चलता रहेगा, फ्रिज फ्रिज क्या फ्रिज चलता रहेगा। हाँ ठीक है, इसको लॉक लगा, दोनों लगा देना। जल्दी आओ, कैंसिल कर दो, बुक भी नहीं होगी। अरे यार सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, और जस्ट हमारी ट्रेन थी, तो दिल्ली से गोरखपुर की ट्रेन थी, तो यहाँ से हम अपनी ट्रेन में बैठेंगे। और इस व्लॉग में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेगी, और उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन के साथ में। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।